पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की हेमा मालिनी के रूप में जाने जाने वाली वेटरन एक्ट्रेस दलजीत कौर का गुरुवार को लुधियाना जिले के सुधार में उनके आवास पर 68 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद से पिछले कुछ सालों से दलजीत कौर की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद से दलजीत अपने रिश्तेदार हरजीत सिंह खंगुरा के साथ सुधार में रह रही थी। दलजीत कौर डिमेंशिया से पीड़ित थी और लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। मोगा टू मेलबर्न विया चंडीगढ़ उनकी आखिरी मूवी थी, जो पंजाब के युवाओं के विदेश जाने पर सटायर था, जिसको खुद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा था। दलजीत कौर और भगवंत मान इस मूवी में को एक्टर्स थे। भले ही मूवी की शूटिंग 2013 में हुई थी, लेकिन ये आज तक रिलीज नहीं हुई। इसे एक दुखद विडंबना कहें कि भगवंत मान की को एक्ट्रेस रहने के बावजूद पंजाब सरकार से कोई भी उनके दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ और ना ही उनके निधन के बाद उनके परिवार से कोई मिलने गया। 70 से अधिक पंजाबी फिल्में और कम से कम 10 हिंदी फिल्मों में काम करने के साथ साथ दलजीत कौर ने 1970 से 1990 के दशक तक पटोला, पुट सरपंच दे और पटला सरपंच दे जैसी बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों के साथ पंजाबी इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने यारी दुश्मनी, डकैत, जीने नहीं दूंगा और धन दौलत जैसी कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें धर्मेंद्र और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ वह नजर आईं। अपने पति हरमिंदर सिंह देओल को खोने के बाद उनका दिल टूट गया था, जिसके बाद उन्होंने कई साल तक एक्टिंग भी छोड़ दी और फिर 2002 में जी आयानू के साथ वापसी की। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।